बिहार के कुडनी उपचुनाव के नतीजे आने पर 1000 किलो घी के लड्डू बांटे जाएंगे। ये दावा है विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का। दरअसल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को मुकेश सहनी ने कुडनी के गांव-गांव में पार्टी प्रत्याशी निलाब के पक्ष में वोट मांगा। पत्रकारों से बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा, परिणाम जो भी हो, हमने 1 टन यानी 1000 किलो घी के लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। लड्डू बनना तैयार हो जाएंगे। 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आने के बाद हम 9 तारीख को क्षेत्र में घूम घूम कर लड्डू बांटेंगे। जरूरत पड़ी तो और भी लड्डू मंगाए जाएंगे। भोजहां में भी हमने ऐसा ही किया था, वहां हारने के बावजूद हमने लड्डू बांटे थे। मुकेश सहनी ने शनिवार को कुडनी में रवि किशन और चिराग पासवान के रोड शो पर कटाक्ष किया। इसके साथ ही चिराग पासवान पर पिता की विरासत नहीं संभाल पाने का भी आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीआईपी पार्टी के प्रमुख ने कहा, अगर स्टार से वोट मिले तो मैं भी शाहरुख खान को उतार दूंगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जो लोग अपना घर नहीं बचा सके उन पर जनता क्या विश्वास करेगी। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने उनकी पार्टी तोड़ दी और घर तोड़ दिया उन्हीं का गुलाम बने बैठे हैं। मैं अगर पटना और दिल्ली में गुलामी करता तो मंत्री बना रहता। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की कुडनी सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार शनिवार को खत्म हो गया था। अब 5 दिसंबर को मतदान है और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे।